तो यहां पे तो आपके पास x एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया गया है, थीटा इज अ पैरामीटर एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, देयर इज आल्सो थीटा पैरामीटर. तो हम लोग डिवाइड बाय dx निकालना है, x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा d बाय d थीटा ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू a टाइम्स d बाय d थीटा ऑफ cos of theta plus theta sin theta, क्या हो जाएगा आपका a, ये अंदर आ जाएगा आपका d by d theta of cos theta distribute हो जाएगा एक तरह से, plus d by d theta of theta into sin theta. अब यहां पे आपका क्या लग जाएगा, product rule, और ये simply क्या हो जाएगा आपका, differentiate हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दो function है, theta एक function है और साइन थीटा दूसरा फंक्शन है, तो यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल. तो ए यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, सिंपल है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा. यहां पे क्या होता है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड और प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो ये हो जाएगा थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा. तो ये आपका आ गया a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन का कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां से आपका थीटा का वन हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का साइन थीटा है ये माइनस साइन थीटा, गेट कैंसिल्ड आउट. तो आपके पास कितना आ जाएगा, a थीटा एंड कॉस थीटा, से इक्वेशन नंबर वन, दैट इज योर डी एक्स बाई डी थीटा. सिमिलरली आप क्या करोगे, dy by d theta, ठीक है, dy by d theta, that is a times d by d theta of sin theta and minus d by d theta of theta cos theta. तो sin theta का differentiation आपका क्या हो जाएगा, cos theta, लेकिन यहां पे फिर से product rule लग जाएगा आपके पास, theta और cos theta, there are टू फंक्शंस. तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा एंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है. तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस थीटा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, एंड यहां पे थीटा का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, ठीक, माइनस इंटर करा दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, और ये माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, एंड दिस माइनस प्लस एंड प्लस, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गेट कैंसिल आउट. तो ये आ गया आपका ए थीटा साइन थीटा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर टू विच इज डिवाइड बाई डी थीटा. नाउ अब डिवाइड बाई डी एक्स हमें निकालना था, तो डिवाइड बाई डी एक्स होता क्या है, डिवाइड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दैट मीन्स ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कॉस थीटा. तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, ए ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी टैन थीटा. तो ये आपका डिवाइड बाई डी एक्स टैन थीटा हो गया.